कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हर दिन की तरह आज भी मैं कुछ नए और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ हाजिर हूँ। तो देर न करके देखेंगे आज का पहला सवाल। विश्व समुद्री दिवस 2020 विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? वर्ल्ड मैरिटाइम डे 2020 इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन, हमारे ऑप्शंस हैं 25 सितंबर, 24 सितंबर, 23 सितंबर, 15 सितंबर। हमारा आंसर है 24 सितंबर। विश्व समुद्र दिवस या वर्ल्ड मैरिटाइम डे 2020 को 24 सितंबर को एक ऑनलाइन कार्यक्रम के रूप में विश्व स्तर पर मनाया गया। विश्व समुद्र दिवस मनाने की सही तारीख व्यक्तिगत सरकारों पर निर्भर है, लेकिन यह आमतौर पर सितंबर में अंतिम सप्ताह के दौरान मनाया जाता है। विश्व समुद्र दिवस 2020 का विषय सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लैनेट है, जो संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी IMO और इसके सदस्य राज्य द्वारा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किए गए काम को दिखाने के लिए एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है। यह विषय नौवाहन सहित विभिन्न क्षेत्रों के नेताओं के लिए अवसर प्रदान करेगा, जो किए गए काम और एक स्थायी भविष्य के लिए आगे की योजना दोनों के लिए आवश्यक कदमों को प्रतिबंधित करता है। अंतर्राष्ट्रीय मैरिटाइम संगठन का मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है। इसकी स्थापना 17 मार्च 1948 को हुई थी और यहाँ के महासचिव है किटैक लिम। अगला सवाल, विश्व फार्मासिस्ट दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन, हमारे ऑप्शंस है 25 सितंबर, 26 सितंबर, 27 सितंबर, 24 सितंबर। हमारा आंसर है 25 सितंबर। विश्व फार्मासिस्ट दिवस या वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे विश्व स्तर पर प्रतिवर्ष 25 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन स्वास्थ्य सुधार में एक फार्मासिस्ट की भूमिका के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल फेडरेशन यानी FI की परिषद के साथ इस संगठन की एक पहल थी। इस वर्ष का विषय था ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ। संगठन प्रतिवर्ष एक अलग विषय की घोषणा करता है ताकि दवा उद्योग में संघ और व्यक्ति विश्व भर में लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए अपने उत्कृष्ट काम का प्रदर्शन करने के लिए राष्ट्रीय अभियान या स्थानीय परियोजना आयोजित कर सके। आइए जानते हैं इसका इतिहास। इस दिन को 2009 में इस्तांबुल तुर्की में वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ फार्मेसी एंड फार्मास्यूटिकल साइंसेज में FIP काउंसिल द्वारा नामित किया गया था। इस दिन का उद्देश्य फार्मेसियों पर और स्वास्थ्य की दृष्टि से सकारात्मक लाभ पर ध्यान आकर्षित करना है और FIP इस आयोजन को सफल बनाने के लिए अपने सभी सदस्यों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन का मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है और इसकी स्थापना 25 सितंबर 1912 को हुई थी। इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन के अध्यक्ष हैं डेमिनिक जॉर्डन। अगला सवाल, डीन जोन्स का निधन, वो किस टीम के पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी थे? डीन जोन्स पास्ड अवे, ही वॉज द फॉर्मर क्रिकेट प्लेयर ऑफ विच टीम? हमारे ऑप्शंस हैं इंग्लैंड, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया। हमारा आंसर है ऑस्ट्रेलिया। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर और प्रसिद्ध कमेंटेटर डीन जॉन्स का निधन हुआ। उन्होंने अपनी शुरुआत 1984 में वेस्ट इंडीज में एक टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के लिए की थी। उन्होंने कमेंट्री में जाने से पहले 1984 से 1994 के बीच ऑस्ट्रेलिया के लिए 52 टेस्ट और 164 वनडे खेले। उन्होंने लगभग 9,500 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाए। अगला सवाल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? सेंट्रल पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड सेलिब्रेट्स विच फाउंडेशन डे? हमारे ऑप्शंस है 50, 25, 46, 26।
हमारा आंसर है 46। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया। देश में पर्यावरण संबंधी शोध, निगरानी, विनियम और प्रवर्तन के लिए केंद्र सरकार के तकनीकी अंग के रूप में 23 सितंबर 1974 को जल अधिनियम 1974 के अंतर्गत CPCB को स्थापित किया गया था। CPCB यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसकी स्थापना के बाद से CPCB देश में पर्यावरण को बचाने की दिशा में काम कर रहा है। इसके कुछ पूर्व सक्रिय गतिविधियों में अलग अलग क्षेत्रों के लिए विशेष मानकों का निर्माण, 5,000 से ज़्यादा उद्योगों की सीधी निगरानी, नदी बेसिन अध्ययन जो गंगा एक्शन प्लान की वजह बना, अलग अलग शहरों में प्रदूषण का अध्ययन, सार्वजनिक प्रसारण के लिए व्यापक निगरानी तंत्र बनाने और आंकड़ों के प्रबंधन, राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता को मानक और जल गुणवत्ता मानक बनाने जैसे कदम शामिल हैं। अगला सवाल, बोगनविल के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ बोगनविल? हमारे ऑप्शन है इस्माइल तोरोमा, रोसल इस्माइल, हसीम तोरे, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है इस्माइल तोरोमा। पूर्व विद्रोही सैन्य कमांडर इस्माइल तोरोमा को पापुआ न्यू गिनी के एक स्वायत्त क्षेत्र बोगनविल के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया है। नवंबर 2019 में पापुआ न्यू गिनी से बोगनविल के अलग होने के लिए भारी मतदान के बाद यह पहला आम चुनाव था। बोगनविल दक्षिण प्रशांत में एक खनिज युक्त और हरे भरे द्वीप का समूह है। बोगनविल की राजधानी बुका द्वीप और यहाँ की मुद्रा है PNG कीना। अगला सवाल, RBI ने किसे PNC बैंक का नया प्रशासक नियुक्त किया है? RBI अपॉइंटेड होम एज द न्यू एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ PNC बैंक। हमारे ऑप्शन हैं BK पठान, BK मित्रा, AK दीक्षित, अजय चौहान। हमारा आंसर है AK दीक्षित। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ये दीक्षित होगा। दीक्षित। भारतीय रिजर्व बैंक ने AK दीक्षित, जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व महाप्रबंधक थे, को पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का नया प्रशासक नियुक्त किया है। उन्होंने JB भोड़िया का स्थान लिया है, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से बैंक के प्रशासक के रूप में अपनी भूमिका से इस्तीफा दिया है। सितंबर 2019 में RBI ने PNC बैंक में धोखाधड़ी और वित्तीय अनियमितताओं के कारण PNC बैंक के बोर्ड को अलग कर दिया था। PNC बैंक की स्थापना 1984 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला सवाल, DRDO किस राज्य से अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? DRDO सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स अभ्यास फ्रॉम विच स्टेट? हमारे ऑप्शंस है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान। हमारा आंसर है उड़ीसा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने उड़ीसा के अंतरिम टेस्ट रेंज बालासोर से अभ्यास एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट यानी हीच का सफल उड़ान परीक्षण किया है। अभ्यास का उपयोग विभिन्न मिसाइल प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए एक लक्ष्य के रूप में किया जा सकता है। अभ्यास का DRDO के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान यानी ADE द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। वायु वाहन को दोहरे अंडरस्लैंग बूस्टर का उपयोग करके लॉन्च किया गया है। यह एक छोटे गैस टरबाइन इंजन द्वारा संचालित है और इसमें निर्देशन और नियंत्रण के लिए एक फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर यानी SCC के साथ साथ एक इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम यानी INS है। वाहन को पूरी तरह से स्वायत्त उड़ान के लिए प्रोग्राम किया गया है। वाहन का चेकआउट लैपटॉप आधारित ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन यानी GCS का उपयोग करके किया जाता है।
डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं डॉक्टर जीत सतीश रेड्डी और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। अगला सवाल, एचडीएफसी लाइफ और किस बैंक ने बीमा पॉलिसियों को बेचने के लिए साझेदारी की है? एचडीएफसी लाइफ एंड विच बैंक एंटर्स इनटू पार्टनरशिप टू सेल इंश्योरेंस पॉलिसीज। हमारे ऑप्शंस हैं एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हमारा आंसर है यस बैंक। एचडीएफसी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लाइफ और यस बैंक ने एक कॉरपोरेट एजेंसी व्यवस्था के लिए साझेदारी की है। इस व्यवस्था के तहत एचडीएफसी लाइफ यस बैंक के ग्राहकों को बीमा उत्पादों की एक व्यापक रेंज प्रदान करेगा। एचडीएफसी लाइफ के जीवन बीमा उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला में सुरक्षा, बचत और निवेश, सेवानिवृत्ति और गंभीर बीमारी जैसी समाधान शामिल है। यह पूरे देश में फैली हुई यस बैंक की शाखाओं के माध्यम से ग्राहकों के लिए उपलब्ध होंगे। एचडीएफसी लाइफ के एमडी और सीईओ हैं विभा पाडलकर। एचडीएफसी लाइफ मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। यस बैंक के एमडी और सीईओ हैं प्रशांत कुमार और इसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। अगला सवाल, वॉयस ऑफ डिसेंट नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? अ बुक टाइटल्ड वॉयस ऑफ डिसेंट ऑथर्ड बाय। हमारे ऑप्शंस है प्रमिला सेन, स्मृति ईरानी, रेखा, रोमिला थापर। हमारा आंसर है रोमिला थापर। इतिहासकार रोमिला थापर द्वारा लिखी गई वॉइसेस ऑफ डिसेंट नामक एक नई पुस्तक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया और शीगल बुक्स द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित की जाएगी। इस पुस्तक को अक्टूबर 2020 में प्रकाशित किया जाना है। यह पुस्तक एक ऐतिहासिक निबंध है जो नागरिकता कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के खिलाफ भारत में हालिया विरोध पर केंद्रित होने के साथ साथ इसकी अभिव्यक्ति और इसके रूपों पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया सहित असंतोष के बारे में बताती है। जानते हैं रोमिला थापर के बारे में। रोमिला थापर लखनऊ उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। उनके कामों में अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो 1966 में आई थी, इंटरप्रेटिंग अर्ली इंडिया जो 1992 में आई थी, अर्ली इंडिया फ्रॉम द ओरिजिन टू एडी 1300 जो 2003 में आई थी शामिल है। उन्हें दिसंबर 2008 में क्लुक प्राइज दिया गया। उन्हें 2005 में पद्मभूषण से सम्मानित किया गया था जिसे लेने उन्होंने इनकार कर दिया था, जिससे उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी भी राष्ट्रीय पुरस्कार को स्वीकार नहीं करने का संकल्प लिया है। अगला सवाल, माली के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में किसे नामित किया गया है? हु हैज़ बीन नेम्ड एज इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ माली। हमारे ऑप्शंस हैं बाह एंडॉव, इब्राहिम बाउबकर कीता, यूनोसी टोर, अब्दुल्लाह सेको सो। हमारा आंसर है बाह एंडॉव। माली के पूर्व रक्षा मंत्री बा एंदो को देश की नई संक्रमण सरकार के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में नामित किया गया है। 19 अगस्त 2020 को माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने माली गणराज्य में एक सैन्य विद्रोह के बाद तत्काल प्रभाव से अपने इस्तीफे की घोषणा की। माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता को अबदस्त करने वाली नेशनल कमिटी फॉर द सॉल्वेशन ऑफ द पीपल्स यानी CNSP के नेता कर्नल असीमी गोइता का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। माली राजधानी गणराज्य बमाको और यहाँ की मुद्रा है पश्चिम अफ्रीकी CFA फ्रैंक। अगला सवाल, ITBP तहरी झील में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ संबंध स्थापित करता है? ITBP ties up with whom to promote adventure tourism at Tehri Lake? हमारे ऑप्शंस है उत्तराखंड सरकार, भारत सरकार, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड यानी UTDB और भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP
को समझने में साहसिक खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए तेहरी झील राज्य में। समझौता ज्ञापन के अनुसार विभाग के साथ साथ ITBP अब की तरह साहसिक खेल गतिविधियों को इमारत कर काम करेगा। भूमि आधार साहसिक सेंटर, पानी आधार साहसिक केंद्र, हवाई आधार साहसिक केंद्र में राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी तिहरी झील में स्थित है। यह राज्य सरकार या पर्यटन विभाग द्वारा चयनित 200 से अधिक उम्मीदवारों को हर साल निःशुल्क प्रशिक्षण देगा। अकादमी के संचालन और प्रशिक्षण के लिए सभी व्यवस्थाओं और खर्चों का वाहन ITBP द्वारा किया जाएगा। ITBP ने तेहरी झील के पास विकास और जल साहसिक सुविधा का विकास करने के लिए रोड मैप तैयार किया और राज्य सरकार को उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए परियोजना के लिए एक टाइप को अंतिम रूप देने के लिए प्रस्तुत किया। यह राज्य सरकार द्वारा तेहरी झील के आसपास के क्षेत्रों में प्रशिक्षण और खेल के उद्देश्य के लिए बनाए गए प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे का उपयोग करेगा राज्य द्वारा सुरक्षा और अन्य मानदंडों का पालन करते हुए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और ITBP के महानिदेशक है सुरजीत सिंह देशवाल। अब झारखंड करंट अफेयर्स। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत अकुशल श्रमिकों को कितने दिन रोजगार गारंटी दी जाएगी? हमारे ऑप्शन है 360 दिन, 150 दिन, 120 दिन, 100 दिन। हमारा आंसर है 100 दिन। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2020 के अवसर पर मुख्यमंत्री श्रमिक योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्र के गरीबों को और अकुशल श्रमिकों को 100 दिन रोजगार गारंटी दी जाएगी एवं काम मांगने वाले को 15 दिन में काम नहीं देने पर सरकार बेरोजगारी भत्ता व्यवस्था करेगी। इस योजना का संचालन नगर विकास एवं आवास विकास राज्य शहरी आजीविका मिशन के माध्यम से इस योजना का संचालन किया जाएगा। अगला सवाल, राष्ट्रीय स्तर पर NSS पुरस्कार के लिए झारखंड से किनका नाम चयन किया गया है? हमारे ऑप्शंस है डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे, जतिन कुमार, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है उपयुक्त दोनों, डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे और जतिन कुमार। राष्ट्रीय स्तर पर NSS पुरस्कार के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना के राज्य से डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे एवं स्वयंसेवक जतिन कुमार का चयन किया गया है। 24 सितंबर को राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रपति चयनित लोगों को पुरस्कृत करेंगे। NSS पुरस्कार क्या है? इंदिरा गांधी NSS पुरस्कार की शुरुआत 1992 से 93 में हुई थी। यह राष्ट्रीय सेवा योजना भारत के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है जिसका उद्देश्य व्यक्तित्व विकास है और यह शैक्षिक सामुदायिक सेवा के माध्यम से छात्रों के चरित्र को विकसित करने में मदद करता है। अगला सवाल, राज्य में मुफ्त कानूनी सहायता लेने के लिए विधिक सेवा ऐप को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? हमारे ऑप्शंस है झालसा, डालसा, जिला न्यायालय रांची, झारखंड हाई कोर्ट। हमारा आंसर है झालसा। मुफ्त कानूनी सहायता लेने के लिए राज्य के ज़रूरतमंद लोगों को अब राज्य जिला विधिक सेवा पदाधिकारी के दफ्तर जाने या ऑफलाइन आवेदन देने की ज़रूरत नहीं होगी। राज्य का कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति एक ऐप के माध्यम से निशुल्क सहायता के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदन करने के 15 मिनट के अंदर उसकी विधिक सहायता की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और विधिक सेवा पदाधिकारी के पैनल वकील नियुक्त कर आवेदन करने वाले को इसकी जानकारी भी मिल जाएगी। झारखंड राज्य विधिक सेवा पदाधिकारी के इसके लिए विधिक सेवा ऐप तैयार किया है और यह ऐप 26 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। आज का आखिरी सवाल, पलानी झरना झारखंड के किस जिले में स्थित है? हमारा ऑप्शन है निरशा, दुमका, रामगढ़, धनबाद। हमारा आंसर है रामगढ़। पलानी झरना झारखंड के रामगढ़ जिले में स्थित है।
रामगढ़ जिले के पतरातु की खूबसूरती में पतरातु घाटी जो तीन तरह से पहाड़ियों से घिरा हुआ डैम लेक रिजॉर्ट के बाद अब एक और नगीना पलानीस पहाड़ी का झरना जुड़ गया है जो सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बिंदु बन गया है। झरना पतरातु लेक रिजॉर्ट के पश्चिम दिशा में अवस्थित चारों ओर जंगल और पहाड़ियों की गोद में बसा पलानी पहाड़ी का यह वाटरफॉल अपनी खूबसूरती को लेकर खासा चर्चित हो गया है। पहाड़ी के लगभग 150 फीट की ऊंचाई से गिरता हुआ झरने को देखने के लिए सिर्फ क्षेत्र से ही नहीं बल्कि रांची, रामगढ़ आदि से भी आ रहे हैं। रामगढ़ की स्थापना 12 सितंबर 2007 को हुई थी। यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं दामोदर, भैरवी, कोनार, सपही। यहाँ के ऐतिहासिक स्मारक है महात्मा गांधी समाधि स्थल, मेगालिथ स्थल, गोला, रामगढ़ राज्य का किला, गढ़ बांध का किला। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग करंट अफेयर्स के साथ। करंट अफेयर्स के PDF फाइल आपको हमारे वेबसाइट और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।